ऑसम सेंटर टेबल। इसमें टोटल 4 पार्ट्स मिल जाते हैं, 2 साइड फ्रेम्स मिल जाते हैं, 2 पैनल्स मिल जाते हैं, एक टॉप पैनल, एक बॉटम पैनल। 4 इजी स्टेप्स में इसकी असेंबलिंग की जा सकती है। असेंबलिंग में सबसे पहले बॉटम पैनल के इस सेक्शन को साइड फ्रेम के बॉटम स्लॉट में अच्छी तरह से फिट करेंगे। तो इसे फिट करने के लिए थोड़ा सा टिल्ट करके इसे अपनी जगह पर सेट करें और फिर एक साइड से पुश करके दिए हुए स्लॉट्स में इसको फिट कर दें। तो इस तरह से बॉटम पैनल साइड फ्रेम के नीचे वाले स्लॉट में फिट हो गया है। इसी तरह से दूसरे साइड को भी फिट कर लेंगे। दिए गए ग्रूव्स को अंदर की साइड रखें और साइड फ्रेम को इस तरह से रखें, थोड़ा सा टिल्ट करके। अब इसे जेंटली पुश करके अच्छी तरह से फिट कर दें। बॉटम पैनल के फिट होने के बाद इसी तरह से टॉप पैनल को भी फिट कर लेंगे। प्रॉपरली अलाइन करके पहले एक साइड के साइड फ्रेम में टॉप पैनल को पुश करके फिट करेंगे। अगर ये थोड़ा टाइट हो तो किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे थोड़ा सा आगे पुल करके फिट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड को भी फिट कर लेंगे। अब जेंटली पुश करके इसे अपनी जगह पर फिक्स कर दें। इस तरह से ऑसम टेबल को आसानी से हमने असेंबल कर लिया है। इसमें ये ध्यान रखें कि सेलो लोगो को फ्रंट साइड पे रखें।